नगर निगम भिलाई चरोदा के महापौर निर्मल कोसले ने सोमवार को वार्ड 7 में 9 लाख की लागत से सीसी रोड और सतनाम जैतखाम के पास अहाता निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इस दौरान वार्ड पार्षद एवं एमआईसी सदस्य के साथ वार्डवासी मौजूद रहे। महापौर ने उपस्थित लोगों को विकास कार्य प्रारंभ होने की बधाई देते हुए आने वाले दिनों में विकास की इस रफ्तार को और तेज करने का भरोसा दिया। महापौर निर्मल कोसरे ने निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 7 में विकास कार्यों की सौगात दी है। महापौर ने सबसे पहले वार्ड क्रमांक 7 के सत्यम चौक पहुँचे। यहाँ पर उन्होंने 9 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सीसी रोड और जैतखाम के पास आहता निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। वहीं पार्षद एवं वार्ड वासियों की मौजूदगी में पूजा अर्चना के बाद महापौर ने श्रीफल तोड़कर उपस्थित जन समुदाय को बधाई देते हुए आने वाले दिनों में विकास की गति को और तेज करने का आश्वासन दिया। भिलाई 3 का सत्यम चौक बहुत ही पुराना वार्ड रहा है। यहाँ काफ़ी मात्रा में सतनामी समाज के भाई लोग निवास करते हैं। वर्षों से बना हुआ यह मंच जो है काफ़ी जर्जर हो चुका है। इनकी काफ़ी समय से मांग रही है कि ये जो भवन है इसको डिसमेंटल किया जाए। इसके लिए 9,50,000 रुपये की राशि जारी हो चुकी है और इसका टेंडर भी हो चुका है। बहुत जल्द आ चुकी अब नारियल फूट गया है तो एक सप्ताह के भीतर यहाँ काम भी शुरू हो जाएगा। एजाज जी ने इसको काम लिया और मैंने कहा है कि बहुत जल्दी बरसात के पहले काम पूरा हो और इस काम के लिए वार्ड पार्षद और सभी समाज के भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आने वाले समय में जो भी सामाजिक काम होंगे, आसपास के जो भी मांगलिक काम होंगे, वो काम यहां पर संपन्न होगा। तो वार्ड वासियों की जो भी और समस्याएं होंगी आने वाले वर्षों में उनका समाधान किया जाएगा। मैं चाहता हूं कि 5 वर्षों में भिलाई चरोदा विकास की गति में एक सर्वांगीण नगर पालिका भिलाई चरोदा की ओर पहचान हो, यही मेरी अपेक्षा है। और वार्डवासियों से चाहूँगा कि नगर निगम के कामों का आप सहयोग करें और जो भी मूलभूत समस्या हो उनसे अवगत कराते रहें ताकि उसका समय सीमा पर निदान किया जा सके। बहरहाल इस अवसर पर वार्ड पार्षद सहित एमआईसी सदस्य और वार्डवासी उपस्थित थे। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए भिलाई 3 चरोदा से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।